और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकुला स्थित सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट 28 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाएगी। कोर्ट का फैसला आते ही राम रहीम को हिरासत में ले लिया गया है। उनके लिए रोहतक में स्पेशल जेल बनाई गई है और 28 अगस्त तक उन्हें वहीं रखा जाएगा। वहीं राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके समर्थक उग्र हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में जगह जगह से आगजनी की खबरें आ रही हैं। पंचकुला में हिंसा में 6 लोगों की मौत की खबर है। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते फरीदाबाद में अभी प्रशासन सख्त है। साथ ही साथ फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत एक जगह पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। पूरे हरियाणा में बाबा राम रहीम साध्वी यौन शोषण को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में पुलिस की तरफ से काफी सख्ती बरती जा रही है। हम बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, जगह जगह से गाड़ियां निकल रही हैं और जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने की बात करी जा रही है। इस विषय पर हम बात करेंगे बल्लभगढ़ सिटी थाने के SHO साहब से कि किस तरीके की पुलिस की यहाँ कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से व्यवस्था को बनाने की यहाँ बात हो रही है। चलिए SHO साहब, धारा 144 लागू हो चुकी है शहर में, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्या पुलिस की कार्यशैली चल रही है इस समय? देखिए, जो बाबा राम रहीम डेरा जो प्रकरण है, इसमें लेके जो पुलिस है बड़ी सख्त है। हम निरंतर रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं और मेरे चारों जो चौकी इंचार्ज हैं अपने अपने फोर्स के साथ, हमने जो इलाका है थाना शहर बल्लभगढ़ का उसके अंदर पेट्रोलिंग 2 से लेकर 3 बार हमने पेट्रोलिंग कर ली है। रात को भी हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमारे जो मुखबर है CID है और जो SA है वो भी पूरे जो है बल्लभगढ़ शहर के क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं। एक एक पल की जो खबर है हम ले रहे हैं और एक एक पल के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। क्या कहीं से कोई खुफिया जो जानकारी होती है, क्या कुछ मिल पा रही है कि कहीं कोई किस तरीके का कोई संगीत कोई व्यक्ति कोई कुछ बनाने की कोशिश में तो नहीं है, कहीं कोई घटना घट सके जिसके चलते? देखिए, अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है, ना ऐसी कोई सूचना मिली है। बल्लभगढ़ शहर के अंदर जो शांति बनी हुई है और ऐसा कोई भी जो है मामला हमारे सामने अभी नहीं आया है। तो पुलिस की तरफ से कितने जवानों की टीम है जो पेट्रोलिंग कर रही है इसमें, और जो कितना एरिया दे रखा है? देखिए, जो एरिया है वो सिर्फ थाना जो क्षेत्र शहर बल्लभगढ़ का एरिया है, और मेरे साथ चारों चौकी इंचार्ज, मैं और उनकी जो टीम है, हमारी जो PCR है, मोबाइल है सारी, और राइडर हैं, वो सारे के सारे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई धारा 144 के अंतर्गत किसी को पकड़ाया गया है अभी तक थाने में? देखिए, ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है। जो थाना शहर क्षेत्र बल्लभगढ़ है इसके अंदर मामला शांति है। जैसा कि SHO साहब ने बताया, पूरे शहर में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग चल रही है, पूरे शहर में नज़र बनाए हुए हैं पुलिस, जगह जगह पर पेट्रोलिंग चल रही है गाड़ियों से। करीबन 15-20 पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर रहे हैं गाड़ियों के द्वारा, और अभी तक शहर में किसी भी तरह का कोई भी अव्यवस्था नहीं बनी हुई है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश भाटी के साथ मैं मुकेश ठाकुर, BVM न्यूज़ फरीदाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए BVM न्यूज़।